नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने पूरे हो गए हैं और सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए CBI से लेकर ED तक मामले की जांच में जुटी है। वहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी बीच रिया की स्थिति को देखकर उनकी तुलना एक्ट्रेस रेखा से की जा रही है। माना जा रहा है कि 30 साल पहले रेखा के साथ जो वाकया गुजरा था वो आज रिया के साथ दोहराया जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद से रिया को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। इस मामले में सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो आज रिया के साथ बर्ताव किया जा रहा है वैसा ही कुछ 1990 में रेखा के साथ हुआ था। चिन्मयी ने ट्वीट कर रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी जिसे यासर उस्मान ने लिखा है के कुछ अंश शेयर किए हैं, साथ में रेखा और उनके पति की फ़ोटो भी शेयर की है। आपको बता दें कि साल 1990 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने मौत को गले लगा लिया था, जिसके बाद रेखा को भी मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा था। उस वक्त रेखा को नेशनल वैम तक बता दिया गया था। बता दें कि 30 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर 1990 को रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने पत्नी के दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। रेखा को पति मुकेश के डिप्रेशन में होने की बात शादी के बाद ही पता चली थी। मुकेश अग्रवाल के परिवार के अलावा बॉलीवुड के लोगों ने भी रेखा को काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।